ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रो पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वा नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तृणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दश्च जोयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अश्रण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। जिस प्रकार से मेरा परम कल्याण हो, हे भगवान, वह तत्व मुझे आप बतावें, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
सावधान मन से श्रवण कर। वेदैश्च सर्वैः रहमेव वेद्यो, सभी वेदों से मैं जानने में आता हूं और मेरे ज्ञान से जीव नित्य सुख शांति को प्राप्त होता है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो जितने भी वेद हैं, चारों वेद, उनका मूल है ओंकार। प्रणव सर्वेदेशु शब्दाखे पौरुष अम्नेशु, अर्जुन संपूर्ण वेदों का जो मूल है वो प्रणव है। प्रणव नाम ओंकार का है। चारों वेद ओंकार के ही विस्तार हैं। सो हे अर्जुन, सरस्वती रहस्य उपनिषद की बात सुन। संसार में पांच अंश हैं, अस्ति भाति प्रियम रूपम, नाम चेतेंश पंचकम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, जगद रूपम ततो द्वयम्। पांच अंश ये हैं, अस्ति भाति प्री, नाम रूप, ये पांच हो गए। और ये भगवान की वाणी वेद है। अब वाणी से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, बिना वाणी के कैसे ज्ञान होगा। तो भगवान कहते हैं ये जो वेद वाणी है, ये जो ओंकार है वेदों का मूल, इस वाणी को ही सरस्वती कहते हैं। सो ये मुझसे प्रकट भई है वाणी, माने सरस्वती। तो ये वाणी सरस्वती उत्पत्ति के पहले मेरा ही रूप थी, मुझसे भिन्न नहीं थी। तब इसको परावाणी कहते थे, पर ब्रह्म रूप ही थी। जब मुझे बोलने की इच्छा हुई तब ये मेरे मन में आई, तब इसका नाम मध्यमा पड़ा, नहीं पश्यंती पड़ा, परा पश्यंती, क्योंकि मैंने देखा, मैंने जाना मन में आने की, जब आई ये बोलने की इच्छा। और फिर मन से कंठ में आई, तब इसका नाम मध्यमा पड़ा। और कंठ से मुख में आई, मुख से फिर बाहर निकली, बाहर प्रकट भई, तब इसका नाम बैखरी पड़ा। ये वाणी के चार रूप हो गए, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। जितना भी संसार का व्यवहार होता है वो बैखरी वाणी से होता है, क्योंकि जब तक मुख से बाहर प्रकट ना हो तब तक किसी का कुछ व्यवहार नहीं हो सकेगा। तो मुख से बोलेगा तभी कुछ व्यवहार होगा, उसके पहले मुख के भीतर है, कंठ में है, मन में है और ब्रह्म रूप है पहले, तो कोई व्यवहार नहीं होता है। इस सरस्वती के वाणी के कई नाम हैं, अनेक नाम हैं। उनमें हे अर्जुन कुछ नामों को सुन। ब्राह्मी तो भारती, भाषा, गीर, बात, वाणी, सरस्वती,
व्याहार उक्ति ही लपितम भासितम वचनम बचा। ये सरस्वती के नाम है, ये वाणी के नाम है, ये पर्यायवाचक नाम है। एक अर्थवाची जो अनेक नाम हों उनको पर्यायवाचक कहा करते हैं। मैंने जितने नाम होंगे वो सब एक ही अर्थ को बताएंगे। ये सब सरस्वती को वाणी को ही बताते हैं इतने नाम, इसलिए ये पर्यायवाचक शब्द कहे जाते हैं। जैसे अटब विरणम विपिनम गहनम काननम बनम, ये इतने बन के नाम हैं तो एकार्थवाची हैं। मन एक बन का ही निरूपण करते हैं, ये नाम अनेक हो गए पर इनका अर्थ क्या होगा, एक माने बन ही इनका अर्थ होगा। अटवी अरण विपिन गहन कानन बन, अटव्यणम विपिनम गहनम काननम बनम, ये बन के ही वाचक हैं। चाहे अरण्य कहो, चाहे विपिन कहो, चाहे गहन कहो, चाहे कानन कहो। तो इस प्रकार से ये सरस्वती के एकार्थवाची होने से पर्यायवाचक नाम कहे जाते हैं। और विष्णु के हजार नाम हैं, तो हजार नाम एक विष्णु के हैं, एक विष्णु को बताने वाले, तो नाम तो विष्णु के हजार हैं पर विष्णु एक है, तो हजार नामों से एक विष्णु का ज्ञान कराया जाएगा, विष्णु का बोध होगा। तो भगवान के अनेक नामों में से कोई भी नाम वो भगवान का ही ज्ञान कराता है, दूसरे का नहीं। तो इस प्रकार से ये सरस्वती से ही भगवान का ज्ञान होता है, क्योंकि सरस्वती भगवान से प्रकट हुई, भगवान को सम्यक प्रकार से जानती। इसीलिए सरस्वती की विद्वान लोग उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, सरस्वती का ध्यान करते हैं। किस लिए? कहा ये भगवान से प्रकट भई है, भगवान को हमको बता देगी, भगवान के ज्ञान से जीव जन्म मृत्यु के सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए विद्या पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग भी सरस्वती की उपासना करते हैं, सरस्वती की मंत्र जपते हैं, सरस्वती का ध्यान करते हैं, सरस्वती की स्तुति करते हैं। एक सरस्वती उपनिषद ही है जिसका ये मंत्र हम सुनाए हैं, जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। अस्तिभात प्रियम रूपम नाम चैतेंश पंचकम आदित्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्व, इसमें सरस्वती का मंत्र आया है। उस सरस्वती का मंत्र जपकर उस सरस्वती की स्तुति के 10 श्लोक आए हैं मुख्य रूप से, और उनकी महिमा बताई गई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वती नमः, ये सरस्वती का संक्षिप्त बीज मंत्र है। और स्तुति बताई गई है 10 श्लोकों के द्वारा। चतुर्मुख मुखाम्भोज बनहंस बधूर ममो मानसे रमताम नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यम विद्या दानंच देहि मे, अक्षसूत्रांकुशधरा पाश पुस्तक धारिणी मुक्ताहार समायुक्ता
वाचि तिष्ठतु मे सदा, कम्बुकंठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरण भूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा बाग देवी विधिवल्लभा भक्त जिह्वाग्र सदना समाधि गुणदायिनी, नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृत कुंतलाम भवानीम भव संताप निर्वापन सुधा नदीम। यह कवित्वम निरातंकम भुक्ति मुक्ति च वांछति सो अभ्यर्चयिनाम दश श्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्ति श्रद्धाभियुक्तस्य क्षणमासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्य पद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः। इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो नहि इति यस्तु विजानाति सनेच्छन्नपि मुच्यते। अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिंद्रिय निग्रह। सज्जनों, ये सरस्वती रहस्य उपनिषद के बीज मंत्र और स्तुति का ये प्रभाव है कि 6 महीने तक इसको जपे और इन 10 श्लोकों से स्तुति करे तो 6 महीने में सरस्वती का प्रत्यक्ष होता है। और फिर ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा, तब उसकी वाणी प्रवृत्त होती है, जो बोलना चाहता है स्वेच्छया ललिताक्षरा, उत्तम ललित शब्दों में ये वाणी सरस्वती प्रकट होती है। गद्य पद्यात्मक कई शब्द ही, चाहे गद्य में बोले और चाहे पद्य में बोले, कविता में किसी ने, अप्रमेय विवक्षित ही, जैसी इच्छा करे जो विवक्षा हो बोलने। अश्रुतो बुद्धिते ग्रंथ प्राय सारस्वतः कवि, बिना सुना हुआ ग्रंथ भी इसको सुना हुआ हो जाता है। मैंने जिस ग्रंथों को कभी नहीं सुना वो सब सुने हुए, उनका भी ज्ञान हो जाता है। ऐसी ये सरस्वती देवी की महिमा है, इसलिए विद्वान लोग सरस्वती की आराधना करते हैं, विद्या के लिए पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं। और अनेक मंत्र हैं स्तुति के, या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्र आवृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इस प्रकार से स्तुति करते हैं। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण की ये तो संपूर्ण वेद सभी उपनिषदें उनकी वाणी ही है, सबको। अब जब उन्हीं की वाणी है तो वो तो सर्वज्ञ ही है। सारे वेद भगवान से इस प्रकार से प्रकट हुए हैं, ऐसी वाणी प्रकट भई है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन देख, संसार में ये 5 अंश हैं, अस्ति भाति प्री नाम रूप, ये 5 अंश हो गए। तो आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम्
आदि के जो तीन हैं इन पांच में से अस्थि भाति प्री ये ब्रह्म का स्वरूप है। सत्चित आनंद के अस्थि भाति प्री पर्याय वाचक शब्द हैं। माने अस्थि माने सत, सत का ही बताने वाला अस्थि है, अस्थि इति सत। और जो भाति है वो चित्त का ज्ञान कराता है, भाति माने चित्त। और जो प्रिय शब्द है वो आनंद का वाचक है। अस्थि इति सत, भाति इति चित्त और प्रिय इति आनंद। मतलब अस्थि भाति प्रिय का अर्थ क्या हुआ? सच्चित आनंद। चाहे सच्चित आनंद कहो चाहे अस्थि भाति प्रिय कहो, एक ही अर्थ है, एकार्थवाची है। तो ये तीनों मिलकर के ब्रह्म कहलाते हैं, सच्चिदानंदम ब्रह्मो। तो सच्चिदानंद तो ब्रह्म का स्वरूप हो गया। बचे कितने? दो, नाम और रूप। तो जगत रूपम ततो द्वयम्। हे अर्जुन, ये जगत का रूप है, ब्रह्म का रूप और ये जगत का रूप। जगत में क्या है? कहा नाम है और रूप है। तो नाम तो सब वाणी है और नाम से ही रूप बन जाते हैं। वाणी के ही ये सब आकार हैं। तो सब वाणियों का मूल ओंकार पहले प्रकट हुआ। भगवान कहते हैं मेरे कंठ को भेद कर सबसे पहले ओम, ये वेदों का मूल प्रकट हुआ। फिर कहा ओंकार से सब स्वर व्यंजन प्रकट भए। आई ऊ रिल रिक ए ओम आई औच, इतने स्वर हैं। हय वरट लण यम गण नम झभ घरदस जब गरदस खप छठर चरतो कपर ससर हल, इतने व्यंजन हैं। पाणिनि व्याकरण में ये 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों से सारी व्याकरण लिखी गई है। इसी का विस्तार है 14 सूत्रों का। सारी जितने स्वर व्यंजन हैं इन्हीं से सब नाम रूप का विस्तार होता है। सारे नाम इन्हीं से बनेंगे, स्वर और व्यंजन से। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश, ये सूर्य स्वर और व्यंजन से ही बने नाम। और जीवों के सब नाम, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये सब नाम हैं। तो कहे से बनेंगे? ये स्वर और व्यंजन से। तो स्वर व्यंजन से सब नाम बनते हैं। अब फिर इनके जो रूप हैं आकार का, इन्हीं स्वर व्यंजन से ये आकार भी बन जाते हैं, नाम से रूप बनते हैं। इसलिए चराचर जगत को भगवान ने कहा ये नाम और रूप है। ये वाणी का ही विस्तार है, ओंकार का ही विस्तार है। ओंकार में अकार उकार मकार तीन मात्रा है। तो हे अर्जुन, अकार का अर्थ होता है सत्वगुण, उकार का अर्थ होता है रजोगुण और मकार का अर्थ होता है तमोगुण। ये तीन गुण वाला ओंकार है अकार उकार मकार। और अकार उकार मकार से जो परे है, कहा वो मैं हूं, मुझ परमात्मा से ये ओंकार प्रकट हुआ है ना, तीन अक्षर वाला ओंकार। तो उसके परे तो मैं ही हूं, मुझसे ही तो निकला है। तो फिर मुझको बताने के लिए प्रकट हुआ है, ये मेरा उत्तम नाम है, ये वाणी है, नाम है, बाग देवी सरस्वती है। ये मुझे बताने के लिए ही ये सरस्वती रूप ओंकार प्रकट हुआ है, वाणी प्रकट हुई है, और कोई प्रयोजन नहीं है।
मुझे बताकर ये फिर मुझ में लीन हो जाता है। यही वेदों का प्रयोजन यही है कि मुझको बताकर फिर मुझ में लीन हो जाए, फिर मैं आप अकेला रह जाता हूं। तो ये अकार उकार मकार माने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और कहा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तो सत्वगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर, ये अकार उकार मकार के ही रूप। और ओंकार का और क्या अर्थ है? कहा जागृत स्वप्न सुसुप्ति। आकार के ही ये सारे रूप हैं, जागृत के जितने नाम रूप हैं ये आकार ने धारण किए, ये आकार का ही विस्तार है। जितने भी नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं इस जागृत अवस्था में, अकारो वही सर्वाबाक, ये संपूर्ण वाणी माने नाम और जितने रूप हैं ये आकार ने धारण किए हैं। आकार का विकार है, आकार का विस्तार है। और स्वप्न के जितने नाम और रूप हैं, इसी को जगत कहते हैं, नाम रूप को, वो उकार ने धारण किए, उकार का विस्तार है। स्वप्न के सूक्ष्म नाम रूप हैं, जागृत के जरा स्थूल हैं। तो आकार माने ये जागृत का संसार, सब नाम रूप। उकार माने स्वप्न का जगत, सब नाम रूप। और मकार माने मकार तमोगुण का प्रतीक है, सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा, जागृत और स्वप्न के सब नाम रूप उसमें लीन हो जाते हैं निद्रा में, वो मकार का अर्थ होता है। अब ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति से जो परे है, भगवान कहते हैं वो मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ये नाम रूप से परे, नाम रूप का प्रकाशक, क्योंकि नाम रूप वाणी है, इसको ज्ञान तो नहीं है पर मुझको बताती तो है, तत्पद से बताती है वाणी, इदम पद से नहीं बताती। तत्त्वमसि ये वाणी है, ये महावाक्य है वेद का, ये ओंकार का ही नाम रूप है। जितनी वाणी है, जितने रूप हैं, सब ओंकार का ही विस्तार है। तो तत्त्वमसि ये महावाक्य है। कहते जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से परे है वह ब्रह्म है, और कहा तत्त्वमसि हे जीव, वही तेरा स्वरूप है। जो ब्रह्म है वही तू है। और ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये जितने नाम रूप हैं, ओंकार कहता है ये मेरे स्वरूप, ये मेरा स्वरूप, मैं भगवान का नाम हूं, भगवान को बताने के लिए प्रकट भया हूं, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, पर मैं तत्पद से उसको बताता हूं। इदम मेरा रूप है, इदम कहते हैं यह, और तत् कहते हैं वह। इदम का अर्थ ये होता है और तत् का अर्थ वह होता है। तो यह माने इदम जागृत, यह स्वप्न और ये सुसुप्ति, ये इदम में आ गए। अब इदम को जो जानता है उसको तत् कहते हैं। तो ओंकार इस प्रकार से भगवान को तत्पद से बताता है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति तो मेरा रूप जानना, तो मैं जिसको नहीं जानता
क्योंकि मैं नाम रूप वाला हूँ, नाम रूप को ज्ञान नहीं है तो मैं नहीं जानता उसको, परंतु वह मुझको जानता है। तो जो मुझको जानता है वह ब्रह्म है। और तत्त्वमस हे जीव, वही तेरा स्वरूप है, इसलिए अपने आप को तो ब्रह्म रूप जान। अहम ब्रह्मास्मि, ये भी महावाक्य है, ये भी ओंकार का ही नाम रूप है। अहम का अर्थ ब्रह्म बताया इस ओंकार ने। अहम का अर्थ ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण नहीं होते, क्योंकि ये तो ओंकार के ओंकार का विस्तार है। जागृत और स्वप्न तक ही देह इंद्रिय मन बुद्धि होते हैं, सुसुप्ति में मकार में तो ये दोनों लीन हो जाते हैं। जागृत स्वप्न का संसार देह इंद्रिय मन बुद्धि, उससे परे ब्रह्म है। तो ये देह इंद्रिय मन बुद्धि जीव का स्वरूप नहीं है। स्थूल देह ये जो दिखाई पड़ रहे हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, ये अहम का अर्थ नहीं होता, मैं का अर्थ ये नहीं है। न स्वप्न के देह, न सुसुप्ति कारण देह। जागृत को स्थूल देह कहते हैं, स्वप्न को सूक्ष्म और सुसुप्ति को कारण देह कहते हैं। तीनों देहों से, तीनों अवस्थाओं से जो परे है वह तत्त्वमसि, वह तेरा स्वरूप। तो ब्रह्म को ये ओंकार तत्पर से बताता है। जितने भी नाम रूप हैं, ओंकार कहता है ये मेरा रूप है। और जो अस्ति भाति प्रिय है वह ब्रह्म, कहा वो तेरा रूप है, सच्चिदानंद तेरा रूप है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्त आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जो प्रकाशता है वह ब्रह्म है और वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जो जानता है वो तुरंत ही सर्वबंध ही प्रमुच्यते, सभी बंधनों से, जन्म मरण के बंधनों से, दुखों से छूट गया। इस प्रकार से भगवान का नाम ओंकार भगवान को बताता है। स्त्री पुरुष के नाम स्त्री पुरुष को बताते हैं। घट मठ ये नाम हैं, पर ये अपने अर्थ घट मठ को बताते हैं। घट कहने से तुरंत गोल उदर वाला, कंब ग्रीवा वाला, जल भरने के काम में आने वाला, ये अर्थ ज्ञान होता है। मठ कहने से मकान का ज्ञान होता है, जिसमें जो रहने के काम में आता है। गाय कहने से गऊ का ज्ञान हो जाता है। माने ये नाम गऊ, ये नाम है और गऊ के रूप को तुरंत बता देता है। सिंह कहने से सिंह, ये नाम लेते ही सिंह का ज्ञान होता है, अर्थ का ज्ञान होता है। तो जितने भी नाम हैं वो अपने अर्थ को, रूप को बताते हैं। तो भगवान का नाम तो भगवान को बताता है। बस नाम का प्रयोजन नामी को बता देना, नामी का सम्यक ज्ञान करा देना, यही नाम का प्रयोजन है। इसीलिए सबके नाम रखे जाते हैं। पहले तो कोई नाम नहीं है, बालक पैदा हुआ, अब उसका कोई नाम नहीं है। अब नाम न रखे जाएं तो कैसे ज्ञान होगा। नाम रखे जाते हैं इसलिए कि अमुक को बुलाओ तो जिसका नाम लिया जाएगा उसी को बुलाया जाएगा। तो नाम से ही सब संसार का व्यवहार चलता है, उस रूप का ज्ञान होता है। देखिए रूप नाम आधी ना, रूप ज्ञान नहीं नाम भी ना।
नाम से ही रूप का ज्ञान होता है। तो भगवान के नाम से भगवान का ज्ञान होता है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। भगवान का सगुण साकार व निर्गुण निराकार दोनों स्वरूप को बताने वाला नाम ही है। उभय प्रबोधक, दोनों प्रकार के भगवान के स्वरूप का प्रबोध, बोध कराता है माने ज्ञान कराता है। इसीलिए संस्कृत में नाम को संबोधन कहते हैं। सम्यक बोधयति इति संबोधना, जिसका नाम हो उसका सम्यक बोध करा दे, ज्ञान करा दे, संशय रहित, उसको संबोधन कहते हैं। तो ये सारे ही नाम जिसके नाम होते हैं उसका ज्ञान करा देते। आप कभी न देखे हो, नाम जानते हो, नाम लेकर के उसके घर जाओ, उसको पुकारो तो वो निकलेगा, दर्शन दे देगा, आप उसके रूप को पहचान जाओगे। तो ये नाम की अपार महिमा है। तो भगवान का नाम भगवान को बता देता है। और दूसरा कोई साधन नहीं है भगवान के जानने का। तो ओंकार सब नाम रूप है, सारे वेद नाम रूप है, सब नाम ही नाम भरे हुए, तो नाम रूप को बताते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, ये सरस्वती की महिमा है, ये वाणी की महिमा है। यदि वाणी न होती, सरस्वती न होती, तो संसार का कोई नाम रूप जानने में न आता, न भगवान जानने में आता। वाणी बिना कैसे बताया जाए? जो मन वाणी से परे है उसको भी वाणी तत्पर से बता रही है। जो मन वाणी से परे है और मन वाणी को जानता है वह ब्रह्म है, और तत्त्वमसि वह तू है। ऐसे तत्पर से ये वाणी उस ब्रह्म को बता देती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव।